फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर सहेलियां। और आज हम बनाएंगे ब्रोकली का सूप। अभी विंटर चल रहा है, मार्केट में ब्रोकली बहुत अच्छी मिलती है, फ्रेश मिलती है और विंटर में सूप पीने का मजा कुछ और ही है। तो हम बनाएंगे ब्रोकली का सूप जो आप अपने लंच में और डिनर में कभी भी इंक्लूड कर सकते हो। और हाँ, कभी आपको डिनर स्किप करना हो तो उसकी जगह भी एक दो कटोरे ब्रोकली का सूप ले लो तो भी बहुत अच्छा रहता है। इसमें होता है मैक्सिमम प्रोटीन, विटामिन के, विटामिन सी, पोटेशियम, डाइट्री फाइबर्स और ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट। और जिस तरह से आज हम बनाने वाले हैं, थोड़ा इंडियन टच देके आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। तो इसके लिए हमने 150 ग्राम ब्रोकली ली है और ब्रोकली में जो स्टेम होता है उसमें मैक्सिमम न्यूट्रिएंट होते हैं। तो स्टेम का जो आउटर स्किन है वो हम निकाल के उसके ऐसे पीसीस करके हम स्टेम भी यूज़ करेंगे और फिर ब्रोकली के ऐसे पीसीस करके दो बार अच्छे से पानी में वॉश कर लेंगे। और 150 ग्राम ऑफ ब्रोकली हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ऐसे कट करके। हम लेंगे आधा कप जितना, आधा बाउल जितना मिल्क, 3/4 ग्लास ऑफ वाटर, सॉल्ट, पिपर, 5-6 लहसुन की कलियाँ, 1 प्याज कटा हुआ और ऑलिव ऑयल 1 चम्मच जितना लेंगे और उसमें फिर अनियन डाल देंगे। यहाँ ऑलिव ऑयल की जगह आप बटर जो मार्केट में मिलता है वो भी, येलो वाला बटर भी यूज़ कर सकते हो। फिर उसमें डाल देंगे प्याज। प्याज थोड़े से 1-2 मिनट ऐसे ज़रा भून के उसमें डाल देंगे हम 5-6 लहसुन की कलियाँ चॉप्ड की हुई। तो फ्रेंड्स, ये जो है वो बेसिकली तो है एक वेस्टर्न क्यूसिन ही, तो प्याज हम ज़्यादा सा पिंक मतलब ब्राउन जैसे नहीं करेंगे, हल्का इसे पिंक हो जाए फिर उसमें डाल देंगे हम ब्रोकली। नॉर्मली जो पंजाबी कुजीन होते हैं, पंजाबी कुजीन में हम जो प्याज होते हैं वो अच्छे से भूनते हैं, ब्राउन करते हैं, पर जो हमारे वेस्टर्न डिशेज होते हैं उसमें इतने ब्राउन नहीं करने होते, हल्के से बस पिंक ही वो करने होते हैं। तो देखिए ऐसे थोड़े से पिंक हो जाए फिर हम उसमें डाल देंगे ब्रोकली। ब्रोकली की बहुत सारी रेसिपीज जैसे कि ब्रोकली के पराठे, ब्रोकली की सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती हैं और टेस्ट के साथ साथ न्यूट्रिएंट भी इतनी है, तो हम आपको वो भी शेयर करेंगे। तो देखिए ये ऐसे थोड़े नरम भी अभी होने लगे हैं, उसका कलर भी चेंज होने लगा है, थोड़ा पिंक होने लगा है, तो बाद में हम उसमें ब्रोकली डाल देंगे। आप बटर में भी इसे बना सकते हो, मैंने ऑलिव ऑयल लिया है पर बटर भी अच्छा लगता है। तो अभी ये थोड़े पिंक हो गए, सॉफ्ट भी हो गए, अभी इसमें डाल देंगे ब्रोकली। ब्रोकली में अच्छे से फिर सब मिक्स करके हमने जो 3/4 ग्लास वाटर लिया था वो भी इसमें डाल देंगे। थोड़ा सॉल्ट डालेंगे आप टेस्ट के हिसाब से और फिर उसको कवर करने के छोड़ देंगे और फिर 10 मिनट तक रखेंगे ताकि ब्रोकली हमारी एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो ऐसे नमक डाल दिया, अब उसमें डाल देंगे 3/4 ग्लास ऑफ वाटर और फिर उसको कवर करके हम छोड़ देंगे उसको 8-10 मिनट में। ये ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो जाती है। तो देखिए ये ऐसे फ्रेंड्स, ये बहुत ही हेल्दी सूप बनता है, आप तो प्लीज़ ट्राई कीजिए, टेस्ट में भी इतना अच्छा लगता है। तो कवर करके 10 मिनट के बाद देखिए ये हमारी ब्रोकली सॉफ्ट हो गई है। अब गैस बंद करके उसे ठंडा होने देंगे, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर उसे मिक्सचर में अच्छी सी स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। आप ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो पेस्ट बनाने के लिए। पानी यहाँ पे ठीक ही है, अगर ज़्यादा कभी आपको लगे ज़्यादा हो गया तो छन्नी से थोड़ा निकाल के साइड पे रख दो, फिर उसमें ऐसी पेस्ट बना के वापस पानी डाल दो। थोड़ा दूध
जो हमने लिया था वो डाल दो, अच्छे से सब मिक्स कर दो, फिर थोड़ा उबाल आने दो और फिर हम उसमें ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल देंगे। आप ब्लैक की जगह वाइट पेपर पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। तो फिर ये एक उबाल आने दो और फिर हमारा सूप रेडी हो गया। तो टेस्टी भी और हेल्दी भी। प्लीज़ ट्राई कीजिए ब्रोकली का सूप। पिए पिलाइए, सेहत बनाइए। विंटर का टाइम है, हमारी अच्छी सेहत हम साल भर के लिए बना सकते हैं। तो प्लीज़ ट्राई कीजिए। कीप वॉचिंग अस ऑन सुपर सहेलियाँ। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए ये गर्मा गर्म सूप, प्लीज़ ट्राई दिस।